Thank you very much for watching my first episode. I'm really very thankful to you. I'm now preparing for the second episode. आज बहुत बढ़िया बढ़िया जोक सुनाने वाला मैं. हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको पहला अपना बहुत ही बढ़िया जोक सुना रहा हूँ. ऐसा था कि एक मियाँ बीवी बुजुर्ग थे और उनके तीन बेटे थे. दो की शादी हो गई हुई थी, एक की शादी हो रही थी. तो वो रहते एक पहाड़ी हिली एरिया में रहते थे. तो तीसरे लड़के की भी शादी हो गई. तो ऐसे है कि नीचे वाले पोर्शन में ग्राउंड फ्लोर पे बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, दोनों बुजुर्ग रहते थे. उसके ऊपर उनका सबसे बड़ा बेटा, फिर उसके जो ऊपर वाले पोर्शन में उनका मंझला बेटा, और जिसकी नई शादी होती है उसको सबसे वाला ऊपर वाला पोर्शन दे देते हैं. अब आपको पता ही है पहाड़ों में लकड़ी के घर होते हैं, वुडन हाउस. तो जैसे ही उन दोनों ने सेक्स करना शुरू किया तो उनकी वाइब्रेशन नीचे वाले भाई के पोर्शन में आई. तो उसने बोला, बीबी देख वो छोटा क्या अपने मजे ले रहा है, तो क्यों ना तो हम भी करें. तो वो भी सेक्स करना शुरू हो गया. अब दोनों की वाइब्रेशन सबसे बड़े भाई के पास के पोर्शन में गई. तो बड़ा भाई भी अपनी बीवी के साथ सेक्स करना शुरू हो गया. अब जब तीनों की वाइब्रेशन जब बुजुर्ग उनके बाप के पास पहुंची, तो उसने बोला, देख वे बुढ़िया वो तीनों बच्चे लगे हुए अपनी मौज करने में, तू भी आ जा मेरे पास. अब इस उम्र में होना तो क्या था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करके बुढ़े ने भी परफॉर्म कर दिया. तो चलो ऐसा था कि एक दो घंटे के बाद फिर जिसकी नई शादी हुई थी वो कपल दोबारा शुरू हो गया. दोबारा कपल शुरू हो गया तो फिर ऐसे ही दोनों भाई शुरू हो गए. अब जब वाइब्रेशन फिर बाप के पास पहुंची, तो यार क्या फिर दोनों शुरू हो गए, सारे शुरू हुए पड़े हैं. तो उसने भी फिर दोबारा कोशिश की करने की, लेकिन आपको पता ही है कि इस उम्र में क्या होना. तो फिर अब जब सुबह 4:30 बजे तो जो न्यूली मैरिड कपल था फिर स्टार्ट हो गया. अब अनमने मन से फिर दोनों भाई भी स्टार्ट हुए. अब जब वाइब्रेशन बाप के पास पहुंची तो बाप को आया गुस्सा. उसने अपनी लाठी उठाई और बाहर आके बरामदे में खड़ा होकर जोर जोर से उनको ना बच्चों को गालियां निकालनी शुरू कर दी. कहता, साले हरामियों, तुम अपने मजे के लिए बार बार अपनी माँ को चुदवा रहे हो. तो ऐसे ही दोस्तों हुआ क्या है, एक जाट था, गांव में रहता था. तो उसकी बीवी मायके गई हुई थी. अब जाट का बार बार मूड बन रहा था, पर उसके पास कोई जुगाड़ नहीं था. तो अब हाथ जलन हाथ करने से भी उसको मजा नहीं आ रहा था. तो क्या करे क्या ना करे, तो उसकी नज़र ना अपनी आंगन में खड़ी ना भैंस पे पड़ती. जाट ने सोचा, यार मैंने ना इतनी फिल्मों में देखा है, ब्लू फिल्मों में, कि कई लोग कई इंसान जानवरों के साथ भी सेक्स करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, क्यों ना आज भैंस के साथ ट्राई किया जाए. और जैसे ही जाट भैंस के साथ करने लगा, भैंस को चढ़ा गुस्सा. उसने अपनी दोनों टांगे उछाल के जाट को उछाल के जोर से मारा और जाट उछल के पड़ोसियों के घर में खड़ाम करके गिरा नीचे. नीचे गिरा तो जाट ने क्या देखा कि पड़ोसियों की बीवी और ही किसी के साथ लगी हुई है. बंदा तो देख के भाग गया उसको. तो उसके पड़ोसी की बीवी ने उसके बाद, भाई साहब प्लीज़ मेरे हस्बैंड को मत बताना, नहीं तो वो बहुत जूते मारेगा, मेरे को बहुत जूते मारेगा. आप ऐसा करो, आपने जो मेरे साथ करना कर लो. तो जाट की किस्मत खुल गई, बड़ा खुश हुआ. कहता, आज तो लग गया जुगाड़. कहता, चल मेरे साथ मेरे घर. तो वो उसको लेके घर में आ गया. घर में आ गया तो औरत ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए. कहता, ठहर ठहर अभी ठहर थोड़ी देर.
पहले तू भैंस की दोनों टांगे पकड़। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि एक लड़के की नई नई शादी हुई तो स्वागत मनाने के लिए अपने रूम में चला गया। सुबह 10 बज गए तो उसकी माँ बोली कि अपने हस्बैंड को कि अब बच्चों को उठा देते हैं, 10 बज गए हैं। तो बाबा बोला तेरे को क्या जल्दी है, बच्चों की नई नई शादी हुई थी, उनको एंजॉय करने दे, तुझे क्या जल्दी पड़ी हुई है। तो अच्छे ऐसे करते करते 12 बज गए तो माँ कहती अब लंच का टाइम हो रहा है तो उनको दोनों को क्यों ना जगा दिया जाए। बाप कहता सोने देना, अपने आप निकल आएंगे, बच्चे हैं अपने आप निकलेंगे। तो 3 बजे के करीब ना तो माँ से रुकाने का वो वापस बात कर रहे थे, चलो अब खाना खाने के लिए तो उनको उठाएं। उतनी देर में ना उनका उसका लड़के का छोटा भाई स्कूल से आया हुआ था, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा था। तो वो बीच में बोला कि मम्मी आज भैया और बाबी नहीं उठेंगे। तो क्यों, तू ऐसा क्यों कह रहा है? कहता ऐसा था कि रात को भैया ने मुझसे मांगी वैसलीन, तो मैंने उनको दे दिया फेविकोल की डब्बी, और आपको पता है फेविकोल का जोड़ जल्दी से तो टूटता नहीं है। अच्छा दोस्तों, होया कि संता जी अपने पड़ोसी दी जनानी दे नाल लगे हुए सी, तो अचानक उस औरत दा हस्बैंड ना घर आ गया। जनानी ने देखा उहदा घर वाला आ गया, उन्हें की किया संते नूं फटोफट कमरे की अलमारी दे विच अंदर बंद करता। वो जल्दी 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 अलमारी बंद की, उहदियां दोनों गोलियां रही बाहर रही। हसबेंड उहदा कमरे दे विच आ गया, कमरे विच आ गया तो उन्हें देखा आ की है, कहिंदी जी मैं नवीं घंटी लगवाई है। वो आदमी गया उहदे कोल, उन्हें हौली जिहा दबाया तो घंटी की कोई आवाज़ नहीं आई। घंटी दी उन्हें फिर जरा जोर दी दुआरा बजाया, घंटी की आवाज़ कोई ना आई। उन्हें जोर दी मारिया कसुन जोर दी, संते दी निकल गई अंदरों चीक, जोर दी मार के अलमारी खोल के बाहर आके खड़ा करता, कहता भैन ते लौड़े आले बजा ले टिंग टिंग। दोस्तों आ मेरा फेवरेट जोक हैगा, तुसी बड़े ध्यान ना सुनना। होया कि एक बार एक सरदार जी अफ्रीका दे विच काम करदे सी, अफ्रीका दी एक वुड फैक्टरी सी जंगल दे विच, उत्थे काम करदे सी। ते कदी कदी जिहड़ियां अफ्रीकन कुड़ियां आंदियां सी उहनां नाल अपना मजा मुजा भी कर लैंदे सी। होया कि एक 2-4 महीने बाद ना सरदार जी हो गए बीमार, बहुत बीमार, बुखार उतरे ना उन्हों का। तो कई डॉक्टर्स ने चेकअप किया, कई ट्रीटमेंट होया पर सरदार जी ठीक ना हो। तो अल्टीमेटली ना उत्थे दे डॉक्टर ने कहता कि इदा है कि सरदार जी लगता कि ना तुहाडी बीमारी जिहड़ी है ना ये कोई बहुत रेयर बीमारी लग गई है, इहदा कोई इलाज है नहीं अपने कंट्री दे विच, तो तुसी अपने कंट्री चल जाओ और सानू लगता नहीं कि तुसी बहुत दिन जीओगे। सरदार जी हो गए परेशान कि सारा इन्नी छोटी उम्र के बच्चे ही बुलावा आने वाला। तो सरदार जी अपने पिंड आ जाते हैं इंडिया वापस, तो दुखी बहुत ने, कई डॉक्टरों को दिखाते हैं तो लेकिन ठीक नहीं हो रहे। तो एक दिन ना उहदे दोस्त दा फादर ना बजुर्ग आंदा उहदे कोल हाल चाल पता करन, तो पुछदा की प्रॉब्लम है। चलो पुछदा कहता यार इदा है कि साढ़े पिंड के नाल जिहड़ा पिंड है ना उत्थे ना एक हकीम है, 94 साल उहदी उम्र है, बहुत सियाणा हकीम है, तू उहदे कोल जरूर जाके आ, जरूर तेरी तेरा बीमारी का कोई ना कोई इलाज होगा। सरदार जी पहुँच गए हकीम को पहुँच गए, तो उन्होंने देखा दुख्या तो थोड़ी देर बाद कहते गलत है कि तेरी बीमारी है तो बहुत कमीनी टाइप की बीमारी है, पर एक तरीके इलाज हो सकता अगर तू कर पाए। सरदार जी कहते लै तुझे हकीम जी, बाबा जी दसो तो सही की इलाज करना, मैं तो करा मैं। उन्हें कहते इदा है कि तू ना 5-7 बार उस जनानी का जाके दुध पीना जिंद नवी नवी डिलीवरी हुई हो। सरदार जी परेशान हो गए कि ये कड़ा कसूता काम देता, किसी ने पीन देना मैनू। फिर जी अपने पिंड आते हैं उत्थे पता करते हैं
कि किधे किधे घर बच्चा होया तो वो ना एक दिन डरते डरते जनानी को गए उन्होंने कहते भैन जी तुम्हें पता ही है मैं बहुत बीमार बंदा तो मैंने हकीम ने आह इलाज दसिया कि दुध पीना और जनानी ने चढ़ता गुस्सा जुत्ती लह के सरदार जी ने चार पांच धरती तेन की शर्मा तेन शर्म नहीं आती क्या बकवास करी जाना चलो जी सरदार जी वापस आ गए दो चार दिन बाद कहते कि यार कुछ ना कुछ तो करना ही पैना नहीं तो बुलावा बहुत जल्दी आ जाना उन्हें दूसरी जनानी को गए जाते ही ना वो पैर डिपे तारे डिपे भैन जी तुम मेरी हेल्प करो मेरी मदद करो कहती होया कि भीरे दस तो सही की गल है क्या हकीम ने दसिया कि मैं ताही बच सकता कि अगर मैं इधर इधर पांच सत्त बार दुध पिया वो जनानी में हो गया दस कहती कोई गल नहीं तू कल दस बजे आ जाई मेरे घर वाले ने काम पर चल जाना तू आके पी दे कोई प्रॉब्लम वाली गल सरदार जी रोज आ गए दुध पी जा तीन चार बार पी गए एक दिन दुध पीते पे सी जनानी नू आ गई होशियारी जनानी कहती सरदार जी होर कुछ लौंगे सरदार जी ना 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 बहुत मेहरबानी भैन जी तुम मेरी बड़ी हेल्प मरदे बंदे में तुम बचा लिया मेरी बड़ी हेल्प जनानी एक्साइटेड होई दी सी कहती सरदार जी कुछ ले लो ना कहता भैन जी अगर तुम बड़ा ही मजबूर कर दे हो तो दुध ना दो बिस्कुट दे दो Heh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